हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा ब्राउजर लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। वो भी मात्र 500 KB का ये एप्लीकेशन है, जिसे आप अपने फोन में बड़ी आसानी से इंस्टॉल करके यूज कर पाएंगे दोस्तों। ज्यादा स्पेस आपके फोन में नहीं लेगा, क्योंकि दोस्तों अगर दूसरे ब्राउजर का आप यूज करते हैं तो 50 MB, 100 MB, 150 MB, 200 MB का होता है, लेकिन दोस्तों ये मात्र ये 500 KB का, ये 1 MB से भी ये कम का ये एप्लीकेशन है। बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन दोस्तों, जिसे अपने फोन में इंस्टॉल करके आप यूज कर पाएंगे दोस्तों। इसमें बहुत एडवांस फीचर आपको दिए जाते हैं, जो कि दूसरे ब्राउजर फीचर में आपको नहीं दिए जाते हैं। इसमें बहुत ही एडवांस फीचर दिए जाते हैं, जिसे आप कस्टमाइज करके आप यूज कर सकते हैं, अपने दोस्तों सेट कर पाएंगे। तो वो कौन सा ब्राउजर है दोस्तों, तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल वीआईवी भूषण में, आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए करते हैं सीधी बात, नो बकवास। इस ब्राउजर को यूज करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आना। स्क्रीन पर आने के बाद एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है प्ले स्टोर, जो कि हर किसी के फ़ोन में आसानी से उपलब्ध होता है। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन से प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करते ही देखेंगे कि इस तरीके का इंटरफेस के सामने आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सर्च बार में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है VIABROWSER, इस तरीके से आपको टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो इस तरीके का ये ओपन होगा दोस्तों। तो ध्यान से देख लीजिए, इस एप्लीकेशन का ये आइकन शो हो रहा है और ये एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी डाउनलोडिंग की, इसकी रेटिंग की। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है, देखेंगे तो 4.2 की रेटिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डाउनलोडिंग की। देख लीजिए, यहाँ पर 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसे इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में यूज कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कितने MB का एप्लीकेशन है, तो मात्र ये 500 KB की ये एप्लीकेशन दोस्तों, जो कि बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन है दोस्तों। ये 1 MB से भी कम का ये एप्लीकेशन है। तो आपको क्या करना है, इसे प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो देख लीजिए, इस तरीके से ये ओपन होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देख लीजिए, इस एप्लीकेशन के यहाँ आइकन शो हो रहा है और ये सर्च मेन्यू है, सर्च बार है। उसके बाद देखेंगे तो 3 डॉट बिंदु यहाँ पर शो हो रहा है। देख लीजिए दोस्तों, जो ये शो हो रहा है आपके सामने, ये आइकन शो हो रहा है, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड में ये वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ पर भी अपना पिक लगा सकते हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पर जो है इस आइकन को आपको चेंज करके दिखाऊंगा, इस बैकग्राउंड को भी आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। नीचे देखेंगे तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सर्च सेटिंग पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कस्टमाइजेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको सामने शो होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देख लीजिए, लोगो, बैकग्राउंड, स्टाइल और सेटिंग। तो आपको क्या करना है, पहले बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ ये बैकग्राउंड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपकी गैलरी ओपन होगा। तो इससे पूछा जाएगा आपसे कि आप गैलरी से लगाना चाहते हैं या गूगल फोटो से। तो आपको जिसमें भी आप फोटो रखे हैं, पिक रखे हैं, उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं गैलरी में रखा हूं, तो गैलरी को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से ओपन होगा, जितने भी आपके फ़ोन में पिक होंगे वो शो होने लगेंगे। तो मैं इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो भी है मेरे पास पिक, उस पिक को लगा कर दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये सेट कर सकते हैं। देख लीजिए, मेरे पास ये पिक है, तो मैं किसी भी पिक को लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं इस पिक को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख लीजिए, ये बैकग्राउंड में शो हो गया, जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना पिक यहाँ पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लोगो की चेंज करने के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लोगो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये देख लीजिए, इस तरीके से इंटरफेस के सामने आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर पे देख लीजिए, पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर पे आपको क्लिक करना है, सेकेंड वाले पे। सेलेक्ट वाले करने पर सेकेंड पर क्लिक करेंगे तो फिर वही पूछा जाएगा कि गैलरी से लगाएंगे कि या गूगल फोटो से। तो मैं गैलरी में रखा हूँ, तो गैलरी को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से ये आपके सामने जितने भी गैलरी में फ़ोटो होंगे वो शो होने लगेंगे। तो मैं इसको डाउन करके नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद देख लीजिए, मैं इसको लगाऊंगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लगाने के बाद देखिए तो दोस्तों, कितना अच्छा लगेगा ये। तो देख लीजिए दोस्तों, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये
पूरा ये इसी का ये लोगो है जो कि बहुत सही अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से दोस्तों इस ब्राउज़र को अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, कमेंट में जरूर दोस्तों बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।